स्पॉट पे लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारी क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? किसी भी कंपाउंड का सिंबॉलिक फॉर्म उसका केमिकल फॉर्मूला है। अब कंपाउंड क्या, मिसाल के तौर पे वाटर एक कंपाउंड है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? H2O, वो उसका केमिकल फॉर्मूला है। सॉल्ट क्या है? एक कंपाउंड है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म NaCl, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। ग्लूकोज क्या है? एक कंपाउंड है, C6H12O6, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। बेंजीन क्या है? एक कंपाउंड है, C6H6, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, तो हम कहेंगे कि ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो बेसिकली अगर किसी कंपाउंड की सिंबॉलिक फॉर्म अगर हम देखें तो वो कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, और हमारे पास दो किस्म के होते हैं केमिकल फॉर्मूला। नंबर वन जो हमारा कहलाता है उसको हम कहते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास दो किस्म है, एम्पायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जरा एम्पायरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझने के लिए मैं वन बाय वन आप लोगों से एक एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली तौर पर एम्पायरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने केमिकल फॉर्मूला समझा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक फॉर्म। मिसाल के तौर पे वाटर क्या है? कंपाउंड है, उसके सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? अगर आप उसको लिखेंगे केमिकल केमिस्ट्री की जुबान में तो आप H2O लिखेंगे, तो H2O इज द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड स्टेप आता है कि केमिकल फॉर्मूला की जो दो टाइप्स हैं उसको मैं समझाने के लिए आपसे वन बाय वन एक सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा मनाहिल मैं आपसे सवाल पूछूं, अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे जवाब दें, आप कहाँ रहती हैं? अगर कोई आपसे पूछे हाँ भाई मनाहिल आप कहाँ रहती हैं, तो आप क्या कहेंगी? सर एड्रेस बताऊंगी या बोलूंगी घर पे रहती हूँ? बताएं बताएं कहाँ रहती हैं? घर पे रहती हूँ ये ना बताना, ऐसा जवाब मत देना। ठीक है, ये बताएं कहाँ रहती हैं मनाहिल आप? सर ब्लॉक 11। ब्लॉक 11 में, शाबाश। अब अपना माइक अनम्यूट करें। माशान, वेयर डू यू लिव? यस सर, कहाँ रहती हैं? ब्लॉक 1 में रहती हैं आप। ठीक है, अच्छा जी बिस्मा आप कहाँ रहती हैं बेटा? 5C3 में। अच्छा जी मुहीब बेटा आप कहाँ रहते हैं? अजीजाबाद पे। अजीजाबाद में रहते हैं। अब आप लोग अपने अपने माइक अनम्यूट करें। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा आप लोग कहाँ रहते हैं, और आप लोगों ने मुझे रॉन्ग आंसर दिया, या चले मैं अपने अल्फाज को जरा थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, आप लोगों ने मुझे इम्प्रॉपर आंसर दिया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने मुझे सही जवाब दिया लेकिन हकीकत में आप लोगों ने मुझे इम्प्रॉपर आंसर दिया। अब जैसे मनाहिल या माशान की मिसाल ले लें, वो ब्लॉक 5 में रहती हैं, ब्लॉक 2 में रहती हैं, ब्लॉक 3 में रहती हैं, तो ब्लॉक 5, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, या हमारी बिस्मा 5C में रहती हैं, या मुहिब अजीजाबाद में रहते हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, इतने बड़े इलाके में आप कैसे रह सकती हैं? मैं एक आदमी से पूछा, मैंने कहा कहाँ रहते हो, उसने कहा मुक्का चौक पे रहता हूँ। भाई क्या मुक्का चौक पे रहता है वो? मुक्का चौक तो खाली चौरंगी का नाम है। एक ने कहा मैं जमशेद रोड पे रहता हूँ, क्या वो रोड पे रहता है? एक ने कहा मैं कटी पहाड़ी पे रहता हूँ, क्या कटी पहाड़ी पे रहता है? एक ने कहा मैं सी व्यू पे रहता हूँ, तो क्या समंदर की तरफ रहता है वो? नहीं, इट इज द रॉन्ग आंसर। सही है, राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर ये होता है कि जब आप किसी को कंप्लीट एड्रेस देते हैं, जब आप दराज पीके से कोई शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आप उसको जो एड्रेस देते हैं वो एक कंप्लीट एड्रेस देते हैं। जब आप स्कूल कोचिंग कॉलेज का फॉर्म भर रहे होते हैं तो आप उसमें जो एड्रेस लिखते हैं वो एक कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं, जिसके अंदर आपका हाउस नंबर होता है, ब्लॉक होता है। मिसाल के तौर पे हाउस नंबर A240 ब्लॉक 1 शरीफाबाद फेडरल बी एरिया कराची, ये आपका एक कंप्लीट एड्रेस होता है जिसमें पर्टिकुलर उस शख्स के घर पर वो पार्सल पहुंच जाता है। तो बेसिकली वी हैव टू आंसर। अगर कोई हमसे पूछे वेयर डू यू लिव, तो हमारे पास दो जवाब होते हैं। एक जवाब होता है जिस जो हम इम्प्रॉपर जवाब कहलाता है या जर्नल जवाब कहलाता है, कि मैं शरीफाबाद में रहता हूँ, मैं लियाकताबाद में रहता हूँ, मैं अजीजाबाद में रहता हूँ, मैं सरजानी में रहता हूँ, मैं 5C में रहता हूँ, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, मैं गुलस्तान जौहर में रहता हूँ। ये हमारा इम्प्रॉपर आंसर होता है, या हम इसको कहें ये जर्नल आंसर होता है, जो बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है। जैसे
इस वक्त इस कंडीशन में मनाहिल और माशान दोनों के आंसर सेम है क्योंकि दोनों गुलशन में रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुहिब का और मेरा आंसर सेम है, हम दोनों अजीजाबाद में रहते हैं। ये तो हमारा जो है वो एक जर्नल एड्रेस हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई हम जो है वो अपना मुकम्मल एड्रेस दें, तो अब आपका, माशान का, मनाहिल का, बिस्मा का, मुहिब का, मेरा, हम सबका जर्नल एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक सबसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, और उस जर्नल एड्रेस पे हम जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। सेम थिंग हैपेंस इन द केमिकल फॉर्मूला। अगर मैं किसी कंपाउंड का सिंबॉलिक वर्जन जर्नल यूज कर रहा हूं, तो वो कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मैं किसी कंपाउंड का जर्नल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। लेकिन अगर मैं किसी कंपाउंड का पर्टिकुलर, जिसके अंदर उसके एलिमेंट्स की मखसूस क्वांटिटी यूज कर रहा हूं, तो वो कहलाता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मिसाल देता हूं आपको, जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम जो कंपाउंड्स हैं CH2 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो CH2 वाले कंपाउंड्स तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इथीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इथेनॉल, अल्कोहल, बेंजीन, सैकड़ों कंपाउंड्स हैं जो हमारे जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो हमने जर्नल फार्मूला बता दिया CH2, ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का और अल्काइल का हमने ये जर्नल फॉर्मूला बता दिया, तो ये कहलाता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं कहूं कि CH4 ये एक मखसूस फॉर्मूला है किसका, मीथेन का, जो आप चूल्हे पे गैस यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपसे कहूं H2O ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वाटर का, ये कभी भी H3O वाटर नहीं बनेगा, H4O वाटर नहीं बनेगा, H2O2 कभी वाटर नहीं बनेगा, हमेशा H2O ही वाटर कहलाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केमिकल फॉर्मूला इन जर्नल यूज कर रहे हैं आप, जैसे आपने अपना एड्रेस बताया गुलशन में रहते हो, तो वो आपका एम्पेरिकल एड्रेस है, इसी तरह एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। अगर आप किसी कंपाउंड का पक्का फॉर्मूला बता रहे हैं विद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट, तो वो कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि केमिकल फार्मूला और उसकी दो टाइप्स थी, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा जो न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला। हमें एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे मालूम करते हैं, अब ये है हमारे पास बड़ी अहम चीज। अब जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करने जाएंगे तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे, ठीक है, उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर वन क्या होगा हमारे पास, ये मैं स्टेप्स लिख रहा हूं क्योंकि अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, उसके स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि फाइंड आउट, या हम यू कहें कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट। हमारे पास